नमस्कार, आप देख रहे हैं जी पंजाब हरियाणा हिमाचल का मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग जी विद श्रावित चौधरी। और अगले एक घंटे में हम आपको पंजाब हरियाणा हिमाचल समेत देश भर की और दुनिया की तमाम खबरें दिखाएंगे, एंटरटेनमेंट के रंग भी दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले पंजाब की बात, जलंधर की बात है। अकाली दल बीजेपी की सद्भावना रैली आज होने जा रही है और सीएम बादल और डेप्यूटी सीएम सुखबीर सिंह बादल इस रैली में शिरकत करेंगे। रैली के ऐतिहासिक रहने का पूरा पूरा दावा पहले ही कर दिया गया है। रैली की तैयारियां पूरी हैं। शिरोमणि अकाली दल और बीजेपी की ये चौथी सद्भावना रैली है। बीजेपी शिरोमणि अकाली दल के हर एक मंच पर नजर आया है। आज चौथी रैली है, कुल मिलाकर 5 रैलियां हैं। बठिंडा से इसकी शुरुआत हुई थी और आज जलंधर में ये रैली होने जा रही है। इस रैली के ऐतिहासिक होने के पूरे पूरे दावे किए जा रहे हैं और ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर अजीत सिंह कोहाड़ ने इस रैली का जायजा लिया, इस रैली को लीड किया है और इस रैली की तैयारियां वही देख रहे हैं। सीएम बादल और डिप्टी सीएम इस रैली में पहुंचेंगे और चौथी सद्भावना रैली में आज फिर से शिरोमणि अकाली दल और बीजेपी साथ साथ नजर आएंगे। अकाली दल बीजेपी की आज सद्भावना रैली है। कांग्रेस बठिंडा वाली ललकार का जवाब देने की तैयारी में है, लेकिन अकाली दल की सद्भावना रैलियां लगातार जारी हैं। इसी कड़ी में जलंधर में सद्भावना रैली आज होने जा रही है, जिसकी तैयारियां लगभग पूरी हैं। जलंधर की दाना मंडी में होने वाली अकाली बीजेपी सद्भावना रैली को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, जिसमें जलंधर, नवाशहर, कपूरथला और होशियारपुर जिलों के लोग शामिल होंगे। सूबे के ट्रांसपोर्ट मंत्री अजीत सिंह कोहाड़ ने रैली में लाखों की भीड़ जुटने की उम्मीद जताई है। एमएलए साहबान ते सीनियर साथी इत्थे असी इकट्ठे होकर बैठ के विचार करदे हां ते जो साडा कैफ है सही लखां तों वध दुआबे दी सारी संगत इकट्ठी हो गई। बीजेपी विधायक और पूर्व मंत्री मनोरंजन कालिया का कहना है कि रैली उन ताकतों के लिए जवाब होगी जो सूबे की शांति भंग करने की कोशिश में है। आपसी भाईचारे की सांझ नूं मजबूत करना है और उन्हां शक्तियां ने जिहड़ियां अज वक्खवाद या अमन शांति नूं भंग करन दीआं कोशिशां उन्हां नूं मजबूत करदीआं जिहड़ियां शक्तियां उन्हां नूं जवाब देना है। सद्भावना रैलियों का आयोजन करके अकाली बीजेपी अपनी ताकत का एहसास करवाने में जुटी है, जबकि पंजाब कांग्रेस बठिंडा रैली को सफल बनाकर जवाब देने की तैयारी में है। जलंधर से राजीव वधवा, जी मीडिया। और 2017 से पहले अकाली दल की तमाम रैलियों में बीजेपी बिल्कुल साथ साथ नजर आ रही है। हर रैली में बीजेपी के नेता नजर आ रहे हैं, लेकिन नवजोत कौर सिद्धू को इन रैलियों पर खासा एतराज है। मिसेस सिद्धू के मुताबिक ये एक फिजूल खर्ची है, जिस पर सीएम बादल ने भी जवाब दिया। अपनी ही सहयोगी पार्टी के खिलाफ तीखी बयानबाजी के लिए जानी जाने वाली नवजोत कौर सिद्धू का अकाली दल की सद्भावना रैलियों को लेकर किया गया किंतु परंतु एक बार फिर से चर्चा में है। मिसेस सिद्धू की नजर में ये रैलियां महज एक फिजूल खर्ची हैं। यहां तक कि सिद्धू ने अकाली दल को रैलियों में भीड़ जुटाने के बजाय लोगों के बीच जाने की सलाह भी दे डाली। इसमें लोग दुखी हैं क्योंकि उनका पैसा खराब हो रहा है, वहां पे तो तुम्हारे अपने ही खान जा रहे, तो अपने ही खानदान के स्ट्रेंथ से पंजाब में कोई मैसेज नहीं जा रहा, क्योंकि सद्भावना तो तब होगी जब उन लोगों के पास जाएंगे जो लोग हमसे नाराज हैं, हमसे परेशान है, हमारी नीतियों से परेशान है। जिस दिन वो लोग इतनी बड़ी रैली इकट्ठे करेंगे और हमारे अकाली नेताओं के लाए हुए बंदे नहीं इकट्ठे करेंगे, उसका मतलब उस दिन सद्भावना रैली होगी। उधर अकाली दल को मिसेस सिद्धू की जवाब कलामी रास नहीं आ रही। सीएम बादल ने सिद्धू को उन्हीं के अंदाज में जवाब दिया है। मैं उन्हां दी रहना चलना, मेरे वास्ते सब तो ज्यादा इम्पोर्टेंट है अमन शांति ते भाईचारक सांझ ते सद्भावना, ओदे वास्ते कर रहे हैं। नहीं, जे उन्हां नूं नहीं पसंद, जे ओह चाहुंदे वी सद्भावना जां भाईचारक सांझ ना होवे, उन्हां दी मर्जी है। बेशक सद्भावना रैलियों में शामिल होकर बीजेपी की सीनियर लीडरशिप गठबंधन में आपसी सद्भावना का संदेश दे रही है, लेकिन नवजोत कौर सिद्धू ने रैलियों को लेकर जो सवाल खड़े किए हैं, वही अपने आप में कई सवाल खड़े कर गए हैं। अमृतसर से राजन गुसाई के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
अकाली बीजेपी के बाद अब बात कांग्रेस की। बठिंडा में भी कांग्रेस की रैली होने जा रही है और बठिंडा से ही कांग्रेस शुरुआत करेगी रैलियों की। लेकिन कांग्रेस की ये रैली 15 दिसंबर को होगी, 13 की बजाय 15 दिसंबर को होगी। और रैली को लेकर कांग्रेस ने तैयारियां पूरी कर ली हैं और इस रैली के ऐतिहासिक होने के दावे किए जा रहे हैं। ये उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल की ललकार का असर है या फिर कांग्रेस की मिशन 2017 के लिए उतरने की जल्दबाजी के बठिंडा रैली को लेकर तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। 15 दिसंबर को होने जा रही इस रैली में पंजाब कांग्रेस के नए चुने गए अध्यक्ष कैप्टन अमरिंदर सिंह की आधिकारिक ताजपोशी होगी। बठिंडा की अकाली दल की सद्भावना रैली में भारी भीड़ के बाद कांग्रेस को मिली चुनौती के दरमियान होने जा रही इस रैली को लेकर कांग्रेस ने अंदर खाते तैयारियां तेज कर दी हैं। कांग्रेस ने दावा किया है कि इस रैली में अकाली दल से ज्यादा भीड़ होगी और बड़ी गिनती में लोग इस रैली में शामिल होंगे। तुसी रैली देखोगे, ला मिसाल रैली होगी क्योंकि लोग दुखी हैं सरकार तो, बीजेपी अकाली सरकार तो। तुसी किसानों की गल कर लो, एक गल दो मुद्दे है, दो मुद्दे, एक किसानों का मुद्दा, एक पंथ का मुद्दा। इन्हों दो मुद्दों ने प्रकाश सिंह बादल पांच बार मुख्यमंत्री बनाया, ये गल तुसी मानते हो ना। हुण तुसी देखो, किसान भी सड़कों से तुरे फिर, पंथ वाले भी सड़कों से तुरे फिर और डंडे चक्की फिर। नए अध्यक्ष कैप्टन अमरिंदर सिंह की अगुवाई में हुई इस मीटिंग में रैली की तारीख भी तय हुई और साथ ही कांग्रेस इस रैली को एक चुनौती की तरह भी देख रही है। पर वर्करां दी इच्छा सी कि उत्थे जगह घट है, इस करके बहुत वड्डी रैली करके ये फंक्शन किया जाए, मकसद मेन ये है। दूजा एक चैलेंज होया वे रैली का, वो भी दोनों काम इस गल पूरे हो जाएंगे। ये रैली 15 तारीख को होगी, 13 को नहीं होनी। बठिंडा की सद्भावना रैली के जरिए पंजाब की राजनीति में जो गर्माहट आई थी उससे पहले ही राजनीतिक पारा चरम पर है और ऊपर से अब कांग्रेस भी अपनी सियासी ताल ठोकने जा रही है। कुलबीर दीवान, जी मीडिया, पटियाला। तो मैदान में कांग्रेस, बीजेपी, शिरोमणि अकाली दल, ये पार्टियां उतर आई हैं और जबरदस्त तैयारी की जा रही है 2017 के लिए। लेकिन आम आदमी पार्टी पंजाब में कितनी एक्टिव है वो इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। आम आदमी पार्टी के आप प्रभारी संजय सिंह अमृतसर में पार्टी के महिला विंग को मजबूत करने से जुड़े अभियान में शिरकत करने पहुंचे, जहां उन्होंने भ्रष्टाचार के मुद्दे पर अकाली और कांग्रेस को जमकर घेरा। संजय सिंह ने दावा किया कि दोनों दलों की चिंता आम आदमी पार्टी है और पंजाबियों के दिलों में आप ही नंबर वन पर है। जो कुछ भी बयानबाजी दोनों पार्टियां मिलकर कर रही है, दोनों की चिंता आम आदमी पार्टी है। बादल साहब से पूछिए, कहते हैं लड़ाई आम आदमी पार्टी से है। अमरिंदर सिंह से पूछिए, कहते हैं लड़ाई आम आदमी पार्टी से है। तो दोनों की चिंता आम आदमी पार्टी है, इसका मतलब आम आदमी पार्टी लोगों के बीच में नंबर एक की पार्टी है। सूबे में पार्टी के पक्ष में माहौल बनाने और कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए संजय सिंह ने रैली कार्ड भी खोल दिया। संजय ने कहा कि केजरीवाल दिसंबर या जनवरी में पंजाब में रैलियां कर सकते हैं, संभवतः दिसंबर में भी आ सकते हैं, वरना जनवरी से तो तय है कि केजरीवाल साहब शुरुआत करेंगे, कुछ रैलियां करेंगे। पार्टी पंजाब में दिल्ली का इतिहास रचने की बात तो कह रही है, लेकिन अकाली बीजेपी और कांग्रेस के बीच जगह बनाना इतना आसान नहीं होगा। अमृतसर से राजन गोसाई, जी मीडिया। पंजाब में धर्म ग्रंथ के साथ बेअदबी हुई है, मामला काफी गंभीर है और इसको लेकर काफी सियासत भी हुई और सत्ताधारी दल की तरफ से सीएम साहब ने कहा कि इस मामले से उनको बहुत दुख पहुंचा है और विपक्ष ने भी इसको लेकर चिंता जताई। लेकिन चिंता की बात अभी दूसरी है, इस मुद्दे को लेकर कितनी गंभीरता है इसको लेकर सवाल है और ये सवाल क्यों ये आपको बताते हैं। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की बेअदबी और कोर्ट का पूरा फायरिंग की जांच में जुटे न्यायिक आयोग ने तय समय सीमा में जांच पूरी करने में असमर्थता जताई है और जिसके बाद पंजाब सरकार ने जरूरत पड़ने पर समय सीमा बढ़ाने के संकेत दिए हैं और विपक्ष इस मुद्दे पर सरकार को घेरता हुआ नजर आ रहा है। पंजाब में श्री गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी और कोटकपुरा फायरिंग के मामले की जांच के लिए गठित आयोग ने काम करना शुरू कर दिया है। हालांकि आयोग ने 2 महीने के भीतर जांच पूरी करने में असमर्थता जताई है, जिसके लिए स्टाफ की जरूरत और देरी से दफ्तर मिलने संबंधी बातों को वजह बताया गया है। नो डाउट 2 महीने का टाइम सी गया, लेकिन जो दफ्तर मिल जाए, इंप्लाईज मिल जाए तो उस बाद ही काम स्टार्ट होंगे है। असं हूँ सू दफ्तर मिल गया है, इंप्लाईज भी साढ़े को आ गए, कुछ आ जाने वाले है, तो हम असं जल्दी शुरू कर रहे हैं तो और कंप्लीट करेंगे। उधर अकाली दल सांसद सुखदेव सिंह ढींसा का कहना है कि जरूरत पड़ी तो आयोग की समय सीमा को बढ़ा दिया जाएगा। कुदरती है, कई बार हालात ऐसे बन जाते हैं कि वो लिमिट नहीं हो सकता,
ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੋਣਾ, ਪੂਰਾ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੋਣਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਵਹੀਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਅਸਲੀ ਆਰੋਪੀਓਂ ਕੋ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨੇ ਕੀ ਮੰਗ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਮੇਂ ਦੁਹਰਾਈ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੇ ਮਾਮਲੇ ਮੇਂ ਜੋ ਲੋਕ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ ਉਨਕੀ ਸਹੀ ਲੋਗੋਂ ਕੀ, ਐਸੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪਨੇ ਕਿਸੀ ਫਰਜ਼ੀ ਆਦਮੀ ਕੋ ਉਠਾ ਕੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਖਾਨਾ ਪੂਰਤੀ ਕਰ ਦੀ, ਸਹੀ ਲੋਗੋਂ ਕੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਕੀ ਜਾਏ। ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਸਮੇਂ ਰਹਿਤੇ ਮਾਮਲੇ ਕੀ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਤੀ ਤੋ ਵਿਪਕਸ਼ ਸੇ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾ ਸਕਤਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਸੇ ਪੰਕਜ ਕਪਾਹੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸੇ ਰਾਜਨ ਗੁਸਾਈ ਕੇ ਸਾਥ ਨੇਹਾ ਸਲਾਰੀਆ, ਜ਼ੀ ਮੀਡੀਆ। आपको याद होगा कि पंजाब में कितना माहौल गरमाया था धर्म ग्रंथ की बेअदबी के बाद, और सरकार की तरफ से ये कहा गया, सीएम साहब ये कहते हैं कि उनको इस मामले से बहुत दुख पहुंचा है। लेकिन इस मामले को लेकर कितनी गंभीरता दिखाई जा रही है, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि न्यायिक आयोग, जोरा सिंह न्यायिक आयोग जो बनाया गया था, उसको अभी तक इम्प्लॉयज प्रोवाइड नहीं किए गए, उनको अभी तक ऑफिस नहीं दिया गया। कितने दिन बीत चुके हैं और कितनी गंभीरता इस मुद्दे को लेकर, ये आप देख सकते हैं। खैर, जी पंजाब हरियाणा हिमाचल की खबर का एक बार फिर से असर हुआ है। जी पंजाब हरियाणा हिमाचल ने लुधियाना की सिविल अस्पताल में डिलीवरी के बाद औरतों की मौत की खबर प्रमुखता से दिखाई थी, और उसी खबर का नोटिस लेते हुए पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री सुरजीत जियाणी ने मृतक औरतों के परिवार वालों को 2-2 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान किया। लेकिन साथ ही पूरे मामले की जाँच के लिए 3 सदस्यीय कमेटी बना दी गई है। लुधियाना सिविल हॉस्पिटल में 4 गर्भवती महिलाओं की मौत के मामले में स्वास्थ्य मंत्री ने मुआवजे का ऐलान किया है। सुरजीत सिंह जियानी ने मृतक महिलाओं के परिवारों को 2-2 लाख रुपए मुआवजा दिए जाने की घोषणा की है। सिविल हॉस्पिटल में डॉक्टरों की लापरवाही के चलते 4 गर्भवती महिलाओं की मौत हो गई थी। स्वास्थ्य मंत्री ने जाँच के बाद कार्रवाई का भी भरोसा दिया है। कारण देख के फिर आपां जजमेंट कर पावांगे, और जिन्हां दी डेथ हुई है उन्होंने असी दवाई वगैरह सारा फरी और 2 लाख रुपया परिवार को 6 तारीख शाम को रिपोर्ट मिल जानी है, 6 तारीख शाम को 5 बजे। लुधियाना का सिविल हॉस्पिटल पहले भी विवादों में रहा है। ताजा मामले को जी पंजाब हरियाणा हिमाचल ने जोर शोर से उठाया था, जिसके बाद सूबे के स्वास्थ्य मंत्री ने संज्ञान लेते हुए जांच के लिए 3 सदस्यीय कमेटी के गठन का ऐलान किया था, और आज मुआवजे का ऐलान कर दिया गया। लुधियाना से नवीन शर्मा, जी मीडिया। और अब बात हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर की, जिन्होंने फरीदाबाद में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की, और बैठक में सीएम की तरफ से जनहित के मुद्दों को प्राथमिकता दी गई। बैठक में फरीदाबाद और पलवल के करीब 250 कार्यकर्ता शामिल थे। हालांकि इस बैठक को लेकर कई पार्टी कार्यकर्ताओं में नाराजगी देखने को मिली, कई पार्टी कार्यकर्ताओं को बैठक में शामिल होने से रोका गया। फरीदाबाद में हुई बैठक में चुने गए पार्टी कार्यकर्ताओं को भी शामिल किया गया। ऐसा मिलना जुलना कोई जरूरी शिकायतें थोड़ी होती है, हम अपना हंस खेल करके भी तो अपनी कार्यकर्ताओं मीटिंग कर सकते हैं। क्या बातें निकल गई सामने? बहुत अच्छी बातें निकल गए। हमारे यहाँ एक अनुशासनात्मक सिस्टम है, हमने मंडल अध्यक्ष और इससे ऊपर के कार्यकर्ताओं को बुलाया था। कार्यकर्ता तो बहुत है, लेकिन हर स्तर के कार्यकर्ताओं की अलग अलग बात होती है, जहाँ बाकी कार्यकर्ताओं का होता तो उनसे करते हैं। आज मंडल अध्यक्ष से ऊपर मुझे खुद जानकारी नहीं है, मुझे विधायक जी के पीए का फोन आया कि सीएम साहब आ रहे हैं, आपने वहाँ पहुँचना है। मैं यहाँ आ गया तो लिस्ट देखी, लिस्ट में मेरा नाम है, कारण की जानकारी मैं ले नहीं पाया। आप यहाँ पहुँचे हैं, अंदर क्यों नहीं जा रहे हैं? मेरे पास मेरे लिस्ट में नाम नहीं है, लिस्टों में नाम नहीं है। पार्टी की तरफ से कोई पार्टी बोला पूरा जीवन काल चला गया, 1972 से 78 में सक्रिय हो गया, 75 में हम अंडरग्राउंड हो गए थे। अब इस बेइज्जती के बाद भी पार्टी में ही रहोगे? पार्टी जूते मारेगी तब पार्टी में रहूंगा। हरियाणा बीजेपी के प्रभारी अनिल जैन और हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष सुभाष बराला ने सिरसा का दौरा किया। दौरे के दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं की मीटिंग लेकर उनकी समस्याएं सुनी। हरियाणा में संगठन चुनाव और संगठन मजबूती के लिए दौरा कर रहे बीजेपी के तमाम दिग्गज लगातार कार्यकर्ताओं में जान फूंकने की कोशिश कर रहे हैं। इस बीच हरियाणा बीजेपी के प्रभारी अनिल जैन और हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष सुभाष बराला भी सिरसा पहुंचे, जहां पर उन्होंने 2 अलग-अलग जगह कार्यकर्ताओं की बैठक ली और उनकी समस्याएं जानी। कार्यकर्ताओं की अपेक्षा है, अपेक्षा ज्यादा है। एक साल में इस सरकार ने किताब निकालने लायक काम कर दिए, पिछले 10 साल में लोगों ने पन्ने छापने लायक काम नहीं किए। ये मैं कार्यकर्ताओं के बीच में ध्यान कराता हूँ, फिर भी कार्यकर्ताओं की अगर अपेक्षा है तो हम उनकी अपेक्षाओं को और अच्छा करेंगे। कार्यकर्ताओं से तालमेल को मजबूत बताते हुए अनिल जैन ने जहाँ अपने विरोधियों पर निशाना साधा, तो वहीं बीजेपी के एक साल में कार्यकर्ताओं में बड़े जोश की भी सराहना की।
खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। विपक्ष ने 10 साल में प्रॉपर्टी डीलिंग का काम किया जो आज विपक्ष में है। जिन्होंने, मैं यही कह रहा था कि जिन्होंने पन्ने छपवाने लायक काम नहीं किए वो पुस्तिका छपवाने वाले, एक साल के अंदर पुस्तिका छपवाने वाली सरकार से बहस करे तो उन पर कुछ है ही नहीं। उधर विज और आईपीएस के सवाल पर तालमेल का हवाला देते हुए अनिल विज का बचाव करते नजर आए। हरियाणा में खट्टर सरकार ने अपना एक साल पूरा कर लिया है। ऐसे में इस वक्त सरकार अपने कामकाज की समीक्षा के साथ साथ अपने संगठन की मजबूती पर जोर दे रही है। विजय कुमार, जी मीडिया, सिरसा। हरियाणा में संगठन चुनाव और संगठन मजबूती के लिए दौरा कर रहे बीजेपी के तमाम दिग्गज लगातार कार्यकर्ताओं में जान फूंकने की कोशिश कर रहे हैं। इस बीच हरियाणा बीजेपी के प्रभारी डॉक्टर अनिल जैन और हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष सुभाष बराला भी सिरसा के अलावा हिसार में भी कार्यकर्ताओं से मिले और उनकी समस्याएं सुनी। दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से अनिल जैन और सुभाष बराला एक्टिव हैं हरियाणा में, और सिरसा और हिसार में उन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। संगठन की मजबूती को लेकर यहाँ पर चर्चा हो रही है। पलवल में लोगों ने बीफ से भरा टैंकर पकड़कर ड्राइवर की जमकर पिटाई कर दी और पुलिस को गुस्साई भीड़ पर काबू पाने के लिए लाठी चार्ज करना पड़ा। लोगों का आरोप है कि पलवल अलीगढ़ रूट से पुलिस की मिलीभगत के चलते बीफ अलीगढ़ भेजा जाता है। पहले ग्रामीणों का गुस्सा, फिर पुलिस वालों का। तस्वीरें देखकर समझना मुश्किल नहीं है कि यहाँ हालात बहुत खराब है, क्योंकि इस बेकाबू भीड़ को काबू करने आई पुलिस के पसीने छूट गए। लेकिन ग्रामीणों का गुस्सा शांत नहीं हुआ। आखिर में पुलिस को लोगों पर लाठी चार्ज तक करना पड़ा और लोगों ने पुलिस पर पत्थर बरा दिए। ये तस्वीरें हैं पलवर के किठवाड़ी पुल के पास की। यहाँ पर लोगों का गुस्सा उस वक्त फूटा जब उन्हें एक ट्रक में बीफ होने का शक हुआ। गुस्से में आए लोगों ने ट्रक की तो तोड़फोड़ की ही, साथ में ट्रक ड्राइवर की जमकर पिटाई की। और फिर लोगों ने पलवल अलीगढ़ मार्ग पर जाम लगा दिया। यही नहीं, भीड़ ने ट्रक को आग लगाने की कोशिश भी की। तभी पुलिस ने लाठी चार्ज और हवाई फायरिंग भी की। टेंटर चालक है वो तो मौके पे, जैसे भीड़ को जब, क्योंकि पुलिस के आने से पहले लोगों ने घेरा था तो वो तो शायद मौके से फरार हो चुका, क्योंकि वो नहीं मिला। क्लीनर है, उसको पुलिस सेफली निकाल के ले आई थी, अदरवाइज उसके साथ भी हो सकता है जी। कार्रवाई करने गए सुबह से तो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कर रहे थे, ये सब चीज फोर्स फारिग होकर के तब बैठ करके होती है, वो सारी कार्रवाइयाँ होंगी। कि पब्लिक को चाहिए कि थोड़ा सा अपने इमोशंस के उनकी रेस्पेक्ट करते हैं, पर इमोशन में थोड़ा सा इसको तसल्ली सब्र करें, पुलिस को काम करने। इस दौरान दो पुलिस कर्मियों को चोट आई है जबकि कुछ लोग भी घायल हुए हैं। पुलिस ने ट्रक ड्राइवर को हिरासत में ले लिया है लेकिन उसके दो साथी फरार हो गए। भीड़ के गुस्से और पुलिस की कार्रवाई के बाद इलाके का माहौल तनावपूर्ण हो गया है, लेकिन अभी तक ये साफ नहीं हो सका है कि ट्रक में बीफ ही था या फिर कुछ और। दिनेश कुमार के साथ न्यूज डेस्क रिपोर्ट, जी मीडिया, पलवल। और अब बात देवभूमि हिमाचल की। शीतकालीन सत्र का आज आखिरी दिन है। धर्मशाला में भ्रष्टाचार और अधूरे पड़े कामों के मुद्दे पर चर्चा होगी। क्या विकास योजनाओं पर चर्चा हो पाएगी, ये बड़ा सवाल है। क्या आज भी हंगामे की भेंट चढ़ जाएगा सत्र, क्योंकि इससे पहले रैलियों पर ध्यान है बीजेपी और कांग्रेस का, लेकिन विकास की बातें करनी है और विकास योजनाओं पर चर्चा करनी है सत्र में, इसके बारे में नहीं सोचा जा रहा, हंगामे के बारे में सोचा जा रहा।
हिमाचल प्रदेश में वार पर पलटवार की राजनीति ही चल रही है और बीजेपी की रैली के जवाब में हिमाचल कांग्रेस ने धर्मशाला में रैली की। सीएम वीरभद्र सिंह ने रैली के दौरान बीजेपी पर जमकर भड़ास निकाली और ऐलान किया कि कांगड़ा में इससे भी बड़ी रैली की जाएगी। रैली को लेकर कॉम्पिटिशन हो रहा है लेकिन सदन में भी कुछ विकास मुद्दों पर चर्चा करनी है, इस बारे में कोई नहीं सोच रहा। धर्मशाला के जोरावर मैदान में बीजेपी की रैली के बाद कांग्रेस ने आक्रोश रैली की। उसी मैदान से मुख्यमंत्री ने इस्तीफा मांगने वाले हिमाचल बीजेपी के नेताओं को करारा जवाब दिया। सीएम वीरभद्र यहीं नहीं रुके, उन्होंने केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा की भी खूब खबर ली। मुख्यमंत्री बोले कि सीएम की रेस में दौड़ने से पहले नड्डा साहब चलना सीख लें। मैं तो कई सालों से जानता हूँ और वो एक शरीफ आदमी माने जाते थे, शायद वो भी आज भारतीय जनता पार्टी में मुख्यमंत्री की दौड़ में। प्रदेश के परिवहन मंत्री जीएस बाली भी विपक्ष पर जमकर बरसे। बाली ने सरकार पर लगाए आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए पलटवार किया। अगर ये ऐसा अभियान चलाना चाहते हैं तो उसका हम जवाब देना चाहते हैं और जवाब वहीं से देंगे जहां पर ये अपनी रैली करेंगे, ताकि प्रेस के बंधुगण हिमाचल की जनता उसकी तुलना कर सके। बीते कल बीजेपी ने जोरावर मैदान में रैली करके मुख्यमंत्री का इस्तीफा मांगा था, उसी के खिलाफ हिमाचल कांग्रेस ने आक्रोश रैली का आयोजन किया था। मोहित प्रेम शर्मा, जी मीडिया, धर्मशाला।